दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट से बारे में भी, और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा सन 1971 में आई एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में देवानंद, जीनत अमान, मुमताज, बेबी गुड्डी, सत्यजीत, प्रेम चोपड़ा, राजेंद्र नाथ, सुधीर, किशोर साहू, अचला सचदेव, मुमताज बेगम और इफ्तिकार नजर आए थे। इस फिल्म को देवानंद ने डायरेक्ट किया था, से प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म को 9 दिसंबर सन 1971 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 80 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 1,70,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 4 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 34 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 2,20,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.3 रेटिंग मिले और ये फिल्म 1971 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक RD बर्मन ने दिए थे, इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 10 गाने थे, इसके सभी गाने सुपर हिट रहे थे। अगर बात करें अवार्ड्स की, तो इस फिल्म के लिए जीनत अमान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो किशोर कुमार को फूलों का तारों का वाले गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला था, तो आशा भोसले को दम मारो दम वाले गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड और बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला था। इस फिल्म के लिए RD बर्मन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला था। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, जीनत अमान से पहले जसवीर का रोल मुमताज को ऑफर हुआ था, लेकिन वे देवानंद की बहन का रोल निभाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्हें देवानंद के ऑपोजिट रखा गया था। फिल्म के रिलीज होने के बाद मुमताज से ज्यादा जीनत अमान के रोल को ज्यादा पसंद किया गया था। नंबर 2, इस फिल्म की कहानी सन 1968 में आई हॉलीवुड फिल्म साइक आउट से इंस्पायर्ड थी। नंबर 3, जब देवानंद एक बार नेपाल के काठमांडू गए थे, तभी उन्होंने कुछ हिप्पीज को देखा था और वहीं से उन्हें ये फिल्म बनाने का आइडिया भी आया था। नंबर 4, देवानंद ने अपने बच्चे सुनील और देवीना से प्रशांत और जसवीर के बचपन का रोल निभाने को कहा था, लेकिन दोनों को कैमरे के सामने आने से शर्म आ रही थी, इसलिए दोनों ने मना कर दिया था। फिर प्रशांत और जसवीर के बचपन का रोल बेबी गुड्डू और मास्टर सत्यजीत ने निभाया था। नंबर 5, ये फिल्म देवानंद की डायरेक्शन में बनी दूसरी फिल्म थी। उनकी डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म प्रेम पुजारी थी, जो बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही थी। नंबर 6, जीनत अमान के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्म ज्वाइन करे। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जीनत अमान के पिता की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी थी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।